जो कुत्ता नहीं था जिसको खाना डालते थे हाँ? वो मर गया है, पता नहीं मर गया वो मर गया है। छुटकू जी उसे ब्लीडिंग हुई थी, वो मर गया है। क्या किसी गाड़ी के नीचे आ गया था? नहीं ये पता नहीं, अब हम स्कूल गए थे। अरे यार किधर है वो? नुक्कड़ में। कल से यार मैं छुटकू को ढूंढ रहा हूँ, मुझे नजर नहीं आता। मैं बुला बुला के थक जाता था, नजर ही नहीं आता था। मैं कहा शायद उसने जगह चेंज कर ली होगी, कहीं और चला गया होगा। लेकिन यार अभी बच्चे ने आके मुझे बोला कि वो मर गया है। ओए होए होए ये बेचारा मरा हुआ यार छुटकू, इसको खून भी है, ये इसका एक्सीडेंट हुआ होगा। ये कल से बीमार है तो अभी बता रहे हो मुझे? ये इसने बताया। तो आप तो बता सकते थे ना, आपके घर के सामने हुआ है ये। क्या किया कुत्ते को आपने? उसे। अच्छा, आपको कैसे पता वो मर गया? वो वहाँ पर पहले रात को उल्टियाँ आई है, रात को उल्टियाँ आ रही हैं, आ रही हैं। तो आपने भी नहीं बताया? हाँ? आपने भी नहीं बताया? ये कह रहा 12 बजे से। ये तो कह रहा आपने मारा है उसको, जहर दिया। ये कब से अपनी तरफ से बना नहीं इसने ना इसने अभी लेके अभी आपको ले चलता हूं। आपने खुद लिया वो कुत्ता? आपका था वो जो ब्लैक वाला था? फिर वो ऐसे आवारा क्यों फिर रहा था? हम तो समझते थे कि ऐसे आवारा फिर रहा है, इसको हम खाना भी दे, आप खाना भी देते थे उसको? नहीं देते थे। वो तो ऐसे भाग के आता था, इतना भूखा होता था वो। पता है छुटकू को क्या हुआ है? छुटकू गया कहां? मर गया। वो ब्लैक डॉग नहीं था छोटे वाला जिसको हम खाना? हाँ वो मर गया। इधर आओ। वो पता चला छुटकू बेचारे का मर गया भाई। छुटकू ये बता रहा था वो। शाम में मैंने उसको इतना ढूंढा छुटकू ना मिल। कल मैंने भी ढूंढा उसको, नहीं मिल रहा था। मैंने कहा भाग गया उसको भी भाई, पारो था। हाँ ये पड़ा यार छुटकू बेचारा। नहीं आप ना छोड़ो। ये नहीं किया इसने कि आपको बता दे, ये नहीं किया आपको बता दे किसने उठा के उधर फेंक दिया। यार हमें बताते ना आप। रात तक वो सोता रहा, फिर उल्टियाँ की, उसने लाल लाल खून आने लग गया था। उल्टी से या मोशन से? मोशन से। पार्वो वायरस ही हुआ उसको यार, सेम पार्वो वाली कंडीशन। क्या ये मछली है? नाम कौन सी मछली है जी? कौन सी है यार फिश? ओए इतनी बड़ी फिश। ओए यार ये तो मर रही है। नहीं मर नहीं रही है ये, इसको ये कहाँ से लाए हो तुम? जिंदा है मरी हुई है? जिंदा है। चलो आओ ऊपर आओ जल्दी आ जाओ। इधर छोड़ रहे हो? ये कैट फिश है सिटेन। कैट फिश? अच्छा ये देखो। ओए 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 भाई बढ़िया यार ये तो बहुत बहुत बढ़िया है। चली गई यार। लेकिन क्या हुआ? नहीं 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 क्या, ये तो छोटी मछलियों को खा जाएगी यार। फिर कैट फिश है, क्या करें? इसको वापस देना होगा, ये हम नहीं रख सकते। ये हमारी जो छोटी मछली है, ये ऑरेंज फिशेस और मोले फिशेस। एक काम करते हैं ना थोड़ा, आप ये देख रहे हो ये वाला, इसमें हम कैट फिश को रख सकते हैं। लेकिन यार ये है कि अभी बात सुने, अभी आप इसको घर ले जाएं, आप ना शाम को लेके आइएगा, हम इसकी जगह बनाएंगे यहाँ पर ठीक से। क्योंकि अभी हम अगर एक घंटा भी हम इसको यहाँ पर रखेंगे ना, ये कोई ना कोई मछली खा जाएगी। हाँ वो खा सकती है। हटो इसको दोबारा डालो, बड़े शापर में डालो। अभी आप ले जाओ, शाम को ना हम इसकी जगह बनाएंगे, फिर हम आपसे ले लेंगे। आराम से यार को पकड़ो अब। तो आप तुम ये ले लो, इसमें भरो और मछली भी पकड़ लो। चलो सिपी शॉप पर था, शॉप पर तुम्हारे पास था। डालो 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 ऐसे। हाँ अब सही है। हाँ हाँ चलो भाई इसको अंदर से ऑक्सीजन भर के देना। हाँ ओके जाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? अभी अभी यार बच्चे आए और वो कैट फिश लेकर आए हुए थे और हमने उसको फाउंटेन में छोड़ दिया, और फिर याद आया कि ये कैट फिश तो हमारी मूली फिशेस और ऑरेंज फिशेस को खा भी सकती है, तो हमने उनको वापस दे दी कि आप 2-3 घंटों के बाद आएगा, फिर हम जगह इसके बनाएंगे, फिर आपसे ले लेंगे। तो अभी वो लेके चले गए हैं। वो छुटकू को दफना दें हम अब? वायरस से भरा हुआ है, उसको दफना देना बहुत ज़रूरी है। गली में बहुत ज़्यादा कुत्ते होते हैं, उनको भी लग जाएगा, क्या कहते हो? किसी के जिम्मे लगाते हैं हम, उसके करीब नहीं जाएंगे, किसी और को बोलते हैं। चलो यार सिप्तान तुम जाओ, किसी मजदूर को लेके आओ ठीक है, वो छुटकू को उठा लेगा। क्योंकि मैं और तुम उठाएंगे ना तो मसला हो सकता है, क्योंकि हमने आपको पता है यार सारा कुछ। तो जाओ तुम लेके आओ किसी को। तो ये पड़ा हुआ यार छुटकू बेचारा, हाय हाय यार कैसे हमारे साथ खेलता था ये, और आज पारवो ने इसको मार दिया। इतना खतरनाक यार वायरस है ये पारवो, बेचारे की एक ही दिन में जान ले ली। कोई वगैरह बच्चे काम करोगे? वैसे डॉग तो तुमने ही पाला हुआ था ना ये वाला, अब तुमने एक काम करना है, उस डॉग को ना किसी शॉपर में डाल के और दफनाना है उसको, ताकि बाकी डॉग को ना इसकी बीमारी ना लगे, समझ गए? कहाँ से आए हो?
अभी मुझे जानना है सत्याशुदा। अच्छा यार अब क्या करें मुझे बताओ। बस अभी पढ़ रहे हैं। ठीक है ये आपने फिर दफनाना है। ठीक है मैं देखूंगा रोज आऊंगा आज शाम तक या कल तक लाजमी कर देना ये काम। ठीक है ओके। आज पहली दफा यार हम चील को देख रहे हैं कि वो पानी पी रही है। जब से ये आई है ना मैंने कहा यार ये पानी नहीं पीती है जिंदा कैसे। वो आज पी रही है देख रहे हो लाइव। खुद खुद आती होगी पीती होगी। चलो पियो। हाँ ऐसे गुड क्लीन करो मैं आज देख रहा हूँ। चलो चलो पियो पियो। और आज आपको मैं बता दूं दोस्तों कल भी मैंने शायद बोला था ना क्या नाम यार हमने इसका रख लिया था और परेशानी ऐसी थी मैं शेयर नहीं कर पाया। तो हमारे इस न्यू डॉग का दोस्तों नाम है प्रिंसेस फियोना। तो आपको यार कैसा लगा है प्रिंसेस फियोना नाम। इसके पार्टनर का नाम है ऐश। इसके दोस्त का नाम ऐश है और इसका नाम है प्रिंसेस फियोना। जब ये ठीक हो जाएगी ना बहुत ही अच्छी लगेगी और इसको हम प्रिंसेस के नाम से भी बुलाया करेंगे और फियोना के नाम से भी बुलाया करेंगे। और आपको भी जो पसंद हो फियोना या प्रिंसेस आप उसी से बुला सकते हैं। यार ये जो हमारे डग्स है ना ये पानी बहुत ज्यादा मैला कर देती है। ये देखें मैं सुबह चेंज करता हूँ शाम को भी चेंज करता हूँ और जो ही चेंज करता हूँ ये अंदर जाती है नहाती है और सारा पानी मट्टी मट्टी हो जाता है। पता नहीं ऐसा क्यों करती है शायद इनके नेचर होगी पानी मैला करना इनको अच्छा लगता होगा। कोई टर्की पर बैठी हुई है यार कुड़क हो जाओ प्लीज प्लीज यार मुझे तो लगता है कुड़क हो रही है। पता नहीं यार तकरीबन हमें 20 दिन हो गए इसको देख रहे हैं कुड़क हो जाए हो ही नहीं रही कुड़क ऐसे होगी। अगर ये अभी उठ गई तो कुड़क नहीं होगी अगर नहीं उठेगी तो इसके चांसेस हैं। चले चेक करते हैं। हाँ भाई कब हो रही हो कुड़क है बताओ। अपने नीचे अंडे भी रखे हुए हैं तुमने। ये तुम्हारा अंडा है पता है इसके नीचे बैठ जाओ यार कुछ नहीं होता यार बहुत इंतजार कराया है। ब्रूडी हो गई नहीं भाई उठ रही है। ब्रूडी होती तो ऐसा ना करती। चलो यार इसका क्या बना इसके बच्चे निकले हैं कब निकलने हैं। तकरीबन ये 3 तारीख को बच्चे निकाल लेगी थी मैंने नोट किया हुआ था। ओके और यहाँ पर देखो इन्होंने अपना घर यहाँ पर बना दिया। अंडे तो नहीं दे रहे यार ये घोंसले तो बनाए हुए अंडे दे सकते हैं यहाँ पे कबूतर। ये देखे यार कबूतर ने यहाँ पर घर बना लिया और अंडा भी दे दिया। वाह भाई वाह क्या बात है। मुर्गी ना खा जाए। हाँ मुर्गी खा सकती है लेकिन कूड़ा क्या नहीं खाएगी। इसके जब बच्चे निकलेंगे फिर डर है बच्चों को फिर खिला सकती है अंडा। यार गलत जगह पे अंडा दे दिया तुमने कोई हाल नहीं है यार। दे दो जल्दी शाबाश। चलो भी खाओ शाबाश जल्दी तुम्हारा मास्टर केज बन जाए फिर तुम सबको मैं मास्टर केज में शिफ्ट करूँ। सब परिंदे को यार दाना पानी कर लिया जो पिंजरों में थे। हाँ फियोना तुमने पानी पीने पियो लो। चलो जी पियो। बस ज्यादा नहीं बस अगर ज्यादा पिएगी तो उल्टी भी कर सकती है यार ज्यादा नहीं देते इसको। आ जाओ ईगल ये लो गोश्त खाओ पानी छोड़ो। इधर आओ आ जाओ ईगल आ जाओ इधर। चलो जंप कर लो इतना तो जंप कर लो यार। भाई ये नहीं सीखने वाला। मैंने उठा के रखा है इसको अब आराम से खा लेगा। ये मुर्गियाँ ना हर जानवर का खाना खाने के लिए आ जाते हैं लेकिन यार ईगल से बहुत ज्यादा डरती हैं। देख इधर आके खड़ी हो गई है आगे नहीं आ रही। इनको पता है एक चूंच मारनी है उसने और हमारा काम हो जाना है। तो यार अब बारी है इन मछलियों को खाना डालने की। हमारी जो कल वाली मछलियाँ जो कल में लाया था ना ऑरेंज कलर की एक साइड पर बैठी हुई हैं। पता नहीं इनको क्यों नहीं जगह पसंद नहीं आ रही है कोई मसला है कोई और। अभी मैं इनको ना हटाता हूँ यहाँ से। भाई खेलो कूदो क्या कर रहे हो यहाँ पे। सारी मछलियाँ एक्टिव हो गई हैं खाना खाने के लिए आ गई हैं। पता नहीं इंतजार में होंगी बेचारों को भूख लगी होगी तो मैंने डाल दिया अभी खाना। गुड शाबाश खा लो। ओए लगता है यार मर गया ये यार पक्का 100% मर गया ये ऐसा ही है। यहाँ पर रख कर देखता हूँ यार चलता है तो नहीं यार ये कछुआ मर गया है। ओहो तो यार वो कछुआ था जो काफ़ी दिनों से ना टेढ़ा पड़ा हुआ था और बीमार था। अब देखें यार बेचारा मर गया है काफ़ी दिन सर्वाइव किया इसने तकरीबन 2-3 हफ्ते वो इसी हालत में रहा था तो अभी मर गया वो। तो ऐश को मैंने यहाँ पर पानी डाल दिया था और इसने इतना खेला ना सारा पानी इसने ना इधर उधर कर दिया ऊपर नीचे और इसने पानी पी भी लिया और जाया भी कर लिया। खैर कोई नहीं है ठंडी जगह पर रहना पसंद करता हूँ शायद इस वजह से ने खुद अपनी मर्जी से किया ऐसा। हाँ भी ऐश आना है बाहर। अभी बाहर नहीं आ सकते यार अभी सारे परिंदे खुले हुए हैं डर जाते हैं बेचारे। तो थोड़ी देर में तुम्हें खिलाऊंगा बाहर में टेंशन ना लो। हाँ खिलाऊंगा। देखिए कितना कोशिश कर रहा है बाहर आने की किसी तरह दरवाजा तोड़ूं और बाहर आऊं यही चाह रही है। ये देखिए पूरी कोशिश कर रहा है। तुमसे नहीं हो पाएगा भाई जाओ। ये देखो इनकी माँ ने ना अंडे दे दिए दो। किनकी माँ ने अभी इनकी माँ ने पाले नहीं दूसरी दे दी बस यार इतना जल्दी में दे दिए। और तो मैं इसका बच्चा दिखाऊं इतना खूबसूरत हो गया ना दोस्तों आपको मैं दिखाता हूँ कितना क्यूट है सिप्पी प्यारा है ना। चलो भाई जाओ अपने भाई के पास चलो जल्दी जल्दी बड़े हो जाओ यार तुम्हारे माँ बाप ने फिर से अंडे देना शुरू कर दिए तुम्हें वो छोड़ देंगे बहुत जल्द।
हमारी ये वाली मुर्गी ये भी कुड़क होने वाली है, क्योंकि ये जो साइन दे रही है ना अपने कुड़क होने वाले साइन दे रहे। और आपको मैं एक और मुर्गी दिखाता हूँ, ये वाली हमारी गंजी मुर्गी, इसकी बहन तो अंडों पर बैठी हुई है, बहुत जल्द वो बच्चे भी निकाल लेगी, और ये भी कुड़क होने वाली है। क्या कुड़क कुड़क लगाया हुआ है सुबह से यार? नहीं होती कुड़क ऐसे तो नहीं, नहीं, नहीं ये हो रही है तकरीबन दो तीन दिन तक हो जाएगी, कन्फर्म है। जी हाँ ठीक। तो खैर दोस्तों ये थी आज की हमारी वीडियो, बस छुटकू हमें छोड़ के चला गया, पता भी नहीं चला यार वो एक्सपायर हुआ पड़ा था। तो मिलेंगे इंशाल्लाह कल, अभी के लिए इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज। इनको अभी खुला ही रहने दो सिप्तान, बंद नहीं करना ठीक है। और फियोना को खुराक देनी है मैंने, और ऐश को मैंने देना है। हाँ ऐश को तुम देख के आओ ना जल्दी, पीछे सारी मट्टी लगी हुई है साफ कर लो। अच्छा। हाँ ना जल्दी जल्दी जल्दी।